क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सम स्टार्ट करते हैं। आपको चार स्टेप तो पते होंगे कि भाई पहले मुझे ए वन वन को वन बनाना है, उसके बाद ए वन टू को बनाना है, सॉरी ए वन ए टू वन को बनाना है जीरो, उसके बाद ए टू टू को बनाना है वन, उसके बाद ए वन टू को बनाना है जीरो। ये स्टेप्स हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा एंड चौथा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई इन टू ए। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, फिर टू वन 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 इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। ओके, नाउ सबसे पहले मुझे, मेरा काम है ए वन वन को वन बनाना। ओके, यहाँ पे टू दिया है तो मैं पहले रो वन में ऑपरेशन कर रहा हूँ। ऑपरेशन क्या होगा, रो वन के हर एक एलिमेंट को टू से डिवाइड करना। जैसे कि यहाँ पे वन, यहाँ पे वन बाई टू बन गया, ये दोनों एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टू, ये जीरो, ये जीरो, ये वन। ओके, अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है टू वन को जीरो। टू वन कहाँ पे, ये है, ये वन है अभी, तो मैं क्या करूंगा, R2 में ऑपरेशन, सेकंड रो में ऑपरेशन करना पड़ेगा। रो वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है। पहली रो को माइनस वन से आप यहाँ पे दोगे तो ये एलिमेंट जीरो बन जाएगा। कैसे, अपनी प्रायोरिटी ये स्टेप्स होने चाहिए, ना कि यहाँ पे सामने आने वाला कोई भी आंसर। आपको इसी स्टेप को फॉलो करते जाना है और आपका आंसर जो भी मिले वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, जीरो। मैं इस एलिमेंट को माइनस वन से फर्स्ट रो को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, तो ये वन माइनस वन बाई टू होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन बाई टू ही बचेगा। कैसे, वन माइनस वन बाई टू करूंगा यहाँ पे, तो वन बाई टू बचेगा। ओके, ये वन बाई टू, ये जीरो, ये माइनस वन बाई टू आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो को मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड किया, ये वन। ओके, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये जो बना वन वन बाई टू जीरो, यहाँ पे आएगा वन बाई टू, वन बाई टू जीरो, माइनस वन बाई टू वन। अब आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड रो दी है उसका ए टू टू, आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, ए टू टू को वन बनाना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा आर टू में ऑपरेशन करूँगा, आर टू के हर एक एलिमेंट को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे वन बाई टू दिया है तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑपरेशन करूँ कि वन मिले, तो टू से अगर पूरी रो को मल्टीप्लाई करूँगा तो टू टू कट हो जाएगा, यहाँ पे वन बचेगा। ये वन, वन बाई टू जीरो वन इज इक्वल टू वन बाई टू जीरो माइनस वन, एंड यहाँ पे क्या आ गया, टू, टू से मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स। नाउ अब मेरा लास्ट स्टेप क्या है, ए वन टू को जीरो बनाना, इसको मुझे जीरो बनाने, कैसे बनाऊंगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे वन बाई टू है, अगर मैं इसको माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके ऊपर दो तो ये जीरो बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे वन वन बाई टू है, रो को मुझे माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके ऊपर देना पड़ेगा, ये स्टेप जीरो हो जाएगा। तो आर वन में ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या करूंगा फ्रेंड्स, आर टू को माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके आर वन में एड करना है। ओके, वन जीरो जीरो वन बन गया इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, मैंने सेकंड रो को माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस वन था इंटू माइनस वन बाई टू, तो प्लस वन बाई टू, तो यहाँ पे ऊपर ऐड करना है वन बाई टू प्लस वन बाई टू, इसको मुझे माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड करना है, तो टू इंटू माइनस वन बाई टू, तो बचेगा माइनस वन, ऊपर ऐड करूँगा तो जीरो माइनस वन। ओके, माइनस वन, ये टू, ए, यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स, ये, सॉरी, ये बन गया आई इज इक्वल टू, ये बन गया वन माइनस वन माइनस वन टू इंटू ए, ए इस साइड चला जाएगा तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका, ये क्या मिल गया फ्रेंड्स, आंसर बन गया, दिस इज द आंसर।